हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मीठी बूंदी की रेसिपी। ये मीठी बूंदी बनाना इतना आसान है कि बिगिनर बैचलर कोई भी पहली बार में परफेक्ट बना लेगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कोई बड़ा सा बर्तन ले लीजिएगा, उसके ऊपर स्टेनर रखा है। स्टेनर में डालेंगे 2 कप बेसन। तो यहाँ पर हमने बारीक वाला बेसन लिया है और बेसन को छान लेंगे। 2 कप यानी 200 ग्राम के करीबन बेसन लिया है। अच्छी तरह से इसको छान लेंगे ताकि इसमें लम्स नहीं रहे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसन को छान लिया है। अब जिस कटोरी से हमने 2 कटोरी बेसन लिया है, उसी कटोरी से 1 कटोरी पानी लीजिएगा और आधा आधा करके इस पानी को डालना है। एक ही बार में बहुत ज़्यादा मत डाल दीजिएगा। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद आप बाकी का बचा हुआ पानी भी डाल देंगे। तो 2 कप बेसन के लिए 1 कप पानी परफेक्ट है। कई बार थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, बेसन पे भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद आप बैटर को इस तरह से रखना है आपको और इसको ढक के 10 मिनट के लिए साइड में रेस्ट करने के लिए रखेंगे। आप गैस पे रखिए एक कढ़ाई। कढ़ाई में डालेंगे 2 कटोरी चीनी। जिस कटोरी से आपने 2 कटोरी बेसन लिया है, उसी कटोरी से आप 2 कटोरी चीनी डालिए। नाप के लिए स्टार्टिंग में ही कोई कप कटोरी सेट कर लीजिएगा और 2 कटोरी चीनी डालने के बाद 1.5 कटोरी आप इसमें पानी डाल दीजिएगा। बिल्कुल भी आपका चाशनी बर्बाद नहीं होगा और ना ही कम पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि चाशनी कुछ मीठा बनाते बच जाता है, तो चाशनी को हमें संभाल के रखना होता है। इसमें आपका चाशनी बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होगा, एकदम परफेक्ट नाप से बता रही हूँ। चीनी मेल्ट हो गया है। मेल्ट होने के बाद 2 से 3 मिनट इसको पका लीजिएगा और पकाने के बाद आपको इस तरह से हाथों पे लेके देखना है। बिल्कुल भी तार वगैरह नहीं बनाना है, बस इतना पकाना है कि ये चिपचिपी हो जैसी हो जाए। आप देख सकते हैं हाथों पे जब आप लेंगे तो लगेगा तेल वगैरह जैसे लिया हुआ है हाथ में। इस तरह से चाशनी हमारा होना चाहिए। अब इसमें डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच इलायची पाउडर और थोड़ा सा येलो फूड कलर डाल दिया है। टोटली ऑप्शनल है, बिना फूड कलर का भी आप बूंदी बना सकते हैं। मिक्स कर दिया है, गैस को बंद कर देंगे, इसको ढक के साइड में रखेंगे और बैटर को देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक बार इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। करने के बाद इसमें डालेंगे 1 पिंच मीठा सोडा, जो भजिया वगैरह में सोडा डालते हैं उसी सोडा को डालेंगे। तो बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, चुटकी भर ही डालिएगा और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद 3 से 4 चम्मच बैटर को अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे अलग कर लिया है और इसमें डालेंगे वापस से थोड़ा सा कलर, मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको साइड में रखेंगे और 3 से 4 चम्मच जो बैटर निकाला है इसमें डालेंगे ग्रीन कलर, ताकि बूंदी हमारा एकदम कलरफुल बने। अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। आप चाहे तो एक ही कलर का बूंदी बना सकते हैं। तो दोनों बैटर हमारा तैयार है। चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे रखेंगे तेल गर्म होने के लिए। मीडियम फ्लेम पे मीडियम गरम आपको तेल करना है, बहुत ज़्यादा गरम मत कीजिएगा। तेल गरम हो गया है, इसमें थोड़ा सा बैटर डाल के देखेंगे तो आप देख सकते हैं बैटर डालते ही ऊपर आ रहा है, मतलब इससे ज़्यादा आपको तेल गरम नहीं करना है। इसको निकाल लेंगे, इस तरह का पलटा लेंगे जो कि हर घर में आपको ईजली मिल जाएगा और इसी से आज बूंदी बनाएंगे। बिल्कुल भी आपका बूंदी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा। तो बैटर को इसके ऊपर डालना है और बिल्कुल भी पलटे को आपको हिलाना नहीं। अगर आप हिलाएंगे तो बूंदी जो है टेढ़ा मेढ़ा बनके तैयार होगा। तो जो भी एक्स्ट्रा है इसको हटा देंगे और जितना कढ़ाई में स्पेस हो उतना ही डालिएगा और 1 से 1.5 सेकेंड के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद इस तरह से पलटते इसको क्रिस्पी होने तक तल लेना है। आपको एकदम नज़दीक से दिखा रही हूँ, एकदम गोल गोल बूंदी बन के तैयार हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छी तरह से बूंदी हमारा क्रिस्पी हो गया है। तो इसको निकाल लेंगे, बाकी के सारे बूंदी को इसी तरह से तल लीजिएगा। देख सकते हैं कितनी क्रिस्पी और मोतियों के जैसे गोल गोल बूंदी बनके तैयार हुआ है। बिल्कुल भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। खाली आपको ध्यान रखना है जब आप बैटर डालें तो आपको पलटे को हिलाना नहीं है। तो चलिए अब इसको डालते हैं चाशनी में। तो चाशनी हल्का सा यहाँ पे गुनगुना लीजिएगा, अगर ठंडा हो जाए तो हल्का सा गर्म कर लीजिएगा। बूंदी को डाल देंगे,
मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे ढक के। बीच बीच में एक आध बार चला लीजिएगा। आधे घंटे के बाद आप देख सकते हैं एकदम रसीली बूंदी हमारी बनके तैयार हो गई है और बिल्कुल ज़्यादा इसमें चाशनी नहीं है। आप चाहें तो इसको स्टैंड आउट पे डाल के चाशनी को निकाल सकते हैं या इसी में छोड़ देंगे तो चाशनी को बूंदी और थोड़ा पी लेगा और हमारा बूंदी बनके तैयार है। तो इस तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आशा करती हूँ कि आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक।